इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 की फिल्म लाइक अ कैट ऑन अ हाईवे के बारे में, जो कहानी है जियोवानी नाम के एक आदमी और मोनिका नाम की औरत की, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है पर अपने बच्चों के लिए वो एक साथ जुड़ गए। इटली में रहने वाला जियोवानी एक थिंक टैंक चलाता है और अपनी टीम के साथ यूरोपियन पार्लियामेंट पर रिसर्च कर रहा है। जियोवानी सरकार से मिले पैसों की मदद से गरीबों की जिंदगी सुधारना चाहता है। अपनी स्पीच देने के बाद उसे बताया गया कि 3 महीनों में उसे उन गरीब इलाकों में विकास लाना है, तभी उसके काम को आगे बढ़ाने दिया जाएगा। अपनी टीम से यही बात करते हुए जब वो घर लौट कर आया तो उसे उसकी बेटी अनियेसे मिली, जिसने बताया कि अब उसका अलेसियो नाम का एक बॉयफ्रेंड है। अलेसियो को अपने सामने देखकर जियोवानी हैरान हो गया, क्योंकि वो एक ऐसे इलाके में रहता है जो इटली के सबसे बुरे इलाकों में माना जाता है। अपनी बेटी को एक ऐसे लड़के के साथ देखकर वो परेशान हो गया और जल्द से जल्द अपनी बेटी को उस बुरे इलाके से दूर रखने की कोशिश करने लगा। अनियेसे उस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के घर जा रही थी और वो उसका पीछा करने लगा, जिसके बाद वो उसके इलाके में पहुंचा। मगर इससे पहले कि वो उन दोनों को रोकता, एक औरत अपनी गाड़ी लेकर उसके सामने आ गई और गुस्से में उसने जियोवानी की गाड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद वो फिर से अपनी बेटी को ढूंढने निकला और घंटों बाद वो उसे अलेसियो के साथ नजर आई। पीछा करते हुए जियोवानी अलेसियो के बिल्डिंग तक पहुंचा, जिसे देखकर वो और परेशान हो गया। उसे बिल्डिंग में रह रहे डरावने लोग दिखे और कुछ ऐसे भी लोग दिखे जो अजीब सी जिंदगी जी रहे हैं। किसी तरह वो अलेसियो के घर के पास पहुंचा, पर उसके सामने वेनम नाम का कुत्ता आ गया। वेनम से बचकर जब वो अलेसियो के घर में गया, तब उसे पता चला कि अलेसियो की मां मोनिका वही औरत है जिसने उस पर हमला किया था और वो खुद भी अलेसियो का पीछा कर रही थी। जियोवानी ने अपनी जान तो बचा ली, पर उसे वही छोड़कर अनियेसे घर से बाहर चली गई। उस वक्त उसे पता चला कि मोनिका भी अपने बेटे के इस रिश्ते से खुश नहीं है, क्योंकि अनियेसे एक रईस खानदान की है। मोनिका और उसकी बहनें जियोवानी का मजाक उड़ाने लगी, क्योंकि वो ये तक नहीं जानता था कि उसकी बेटी एक हफ्ते से अलेसियो के साथ है, और उसे एक बुरा पिता कहकर वो तीनों उसे वहाँ से भगाने लगी। घर लौटकर जियोवानी ये सोचने लगा कि वो अपनी बेटी को उस परिवार से दूर कैसे रखेगा। पर जब अनियेसे उसके सामने आई तो वो उससे कुछ कह नहीं पाया। अनियेसे अपने पिता का शुक्रिया अदा करने लगी, क्योंकि उसी ने उसे सिखाया था कि लोगों के रूप को देखकर उन्हें बुरा नहीं समझना चाहिए, और इसलिए अलेसियो उसे मिला। दूसरी ओर मोनिका अपने गुंडों जैसी हरकतों का सहारा लेकर अलेसियो को अनियेसे से दूर रखने की कोशिश करने लगी, पर वो भी नाकामयाब रही। उसने अलेसियो से बात की और कहा कि उनके और अनियेसे की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है और आगे जाकर गरीब होने की वजह से वो अलेसियो को छोड़ देगी। जियोवानी की गाड़ी देखकर उसका मैकेनिक अल्वारो सोचने लगा कि वो एक औरत से पिटकर आया है, और इस शर्मिंदगी के बीच जियोवानी की एक्स वाइफ लूस का कॉल आया। लूस अपनी बेटी से दूर फ्रांस में रहती है और अनियेसे के बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहती है, पर जियोवानी की बातें सुनकर अल्वारो को लगने लगा कि उसकी जिंदगी में औरतें सिर्फ तकलीफ लाती है। मोनिका एक ओल्ड एज होम के कैंटीन में काम करती है और उसके साथ काम करने वाली औरतों ने जब अनियेसे को देखा तो वो सब हैरान हो गई। अनियेसे और उसकी बातें उन लोगों से बिल्कुल अलग थी, इसलिए वो सबको अजीब लगी। एक दिन जियोवानी को किसी आर्ट गैलरी में अपनी पुरानी दोस्त मिली, जिसका उसी इलाके में एक क्लिनिक है जिस इलाके में अलेसियो रहता है। वो जियोवानी को बताने लगी कि उसकी क्लिनिक में एक 13 साल की लड़की आई थी जो प्रेग्नेंट थी, और उसी के जैसी कई 13 साल की लड़कियां हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये सुनकर जियोवानी ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को ऐसे इलाके में नहीं भेजेगा और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। उसे अपनी नौकरानी इवांका से पता चला कि अनियेसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनके घर में है, और जब जियोवानी अपने घर पहुंचा तो वहां मोनिका पहले से मौजूद थी। बिना वक्त गवाए वो दोनों अपने बच्चों के पास गए, पर उन्हें पता चला कि वो दोनों कुछ गलत नहीं कर रहे। इवांका मोनिका को देखकर ताने मारने लगी और उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगी, क्योंकि वो इटली के बुरे इलाके में रहती है। उन दोनों के इस झगड़े में जियोवानी फंसने लगा। कुछ देर बाद जियोवानी और मोनिका की बातचीत शुरू हुई, और पढ़े लिखे जियोवानी की बातें मोनिका समझ नहीं पाई। उसने बताया कि उसका पति 12 सालों से जेल में है, क्योंकि उसने गलती से किसी के पेट से एक ऑर्गन निकाल दिया था। जियोवानी को लगा कि वो एक सर्जन था, पर वो असल में एक नाई था जिसने गुस्से में ये काम किया था। मोनिका का मानना था कि उनके बच्चों का रिश्ता उतना ही टिकेगा जितना किसी हाईवे पर एक बिल्ली जिंदा टिकती है।
इसलिए उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। पर मोनिका की बात से जियोवानी की फिक्र खत्म नहीं हुई। वो अब भी बच्चों का पीछा कर रहा था और ये जानकर मोनिका को अच्छा नहीं लगा। अनियसे ने बताया कि वो अलेसियो और उसके दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाने वाली है और उसके पिता उसे ट्रिप पर जाने से रोकने की कोशिश करने लगे। एक तरफ अपने पिता की बातें सुनकर अनियसे उन्हें एक रेसिस समझ रही थी, तो दूसरी तरफ अलेसियो अपनी माँ से कहने लगा कि वो पैसे कमाने के दूसरे तरीके ढूंढ रहा है। मगर मोनिका ने उसे साफ साफ कह दिया कि उनका परिवार कोई गलत काम नहीं करेगा। अलेसियो ने तो उसकी बात मान ली, पर मोनिका की बहनें चोरी करने से पीछे नहीं हटी। एक रात अपने बच्चों को एक पार्टी में छोड़कर जियोवानी और मोनिका एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बारे में सोचने लगे और जियोवानी उसे एक फिल्म दिखाने ले गया। मोनिका को ना तो वो फिल्म दिलचस्प लगी और ना ही उसकी हरकतें जियोवानी को पसंद आ रही थी। मगर कुछ देर बाद जियोवानी को समझ आया कि मोनिका जैसी दिखती है वैसी है नहीं और धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगा। उन दोनों की दोस्ती होने ही वाली थी कि तभी उन्हें खबर मिली कि उनके बच्चों का सामान उस पार्टी में चोरी हो गया है जिस पार्टी में जियोवानी ने उन्हें भेजा था। और इस बारे में बहस करते हुए वो दोनों फिर से एक दूसरे के खिलाफ हो गए और एक दूसरे को अपनी हैसियत के लिए ताने मारने लगे। जैसा मोनिका ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ और उनके बच्चे अब भी हर रोज एक दूसरे के साथ थे। एक रात जियोवानी को अपनी बेटी को लेने मोनिका के घर जाना पड़ा और तब माफी मांगकर उन दोनों ने एक दूसरे से सुलह कर ली। तब मोनिका ने बताया कि उसके इलाके में अलग अलग देशों से आए लोग रहते हैं और हर कोई अपनी तकलीफों से परेशान है, फिर भी वो सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। पर इटालियंस होने के बावजूद दूसरे इटालियंस को मोनिका जैसे लोग पसंद नहीं। उन दोनों ने एक दूसरे के परिवारों को बेहतर समझने के लिए एक साथ वक्त बिताने का फैसला किया और पिकनिक के लिए मोनिका अपने पसंदीदा बीच पर जाने की जिद करने लगी। जियोवानी उस इलाके के किसी भी बीच पर जाना नहीं चाहता था, पर ना चाहते हुए भी उसे मोनिका की बात माननी पड़ी। उस दिन पहली बार जियोवानी उन लोगों के बीच था जिनसे वो दूर रहना चाहता था। मोनिका ने उसे बताया कि उसकी बहनें असल में सौतेली है और उन्हें चोरी करने की आदत है। ये सुनकर जियोवानी उन दोनों से डरने लगा, क्योंकि जो भी चीज उनके हाथ में होती है वो चोरी की होती है। मोनिका ने बताया कि वो अपनी बहनों के साथ एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहती है, पर कोई भी उसे पैसे देने को तैयार नहीं। यह सुनकर जियोवानी ने अपने काम के बारे में उसे बताया और कहा कि वो मोनिका जैसे लोगों को पैसे दिलवाना चाहता है। उस वक्त मोनिका अपने पति सर्जियो को याद करने लगी और उम्मीद करने लगी कि जल्द ही वो सुधर कर जेल से बाहर आएगा, पर वो ये नहीं जानती थी कि सर्जियो सुधरने नहीं वाला। कुछ दिनों बाद जियोवानी की ख्वाहिश पूरी हुई और वो सब उसकी पसंद के बीच पर पिकनिक के लिए गए। मगर फिर मोनिका को पता चला कि उन सबको बीच तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर तक चलना होगा। 1.5 घंटे तक चलने के बाद उनके सामने सिर्फ एक जंगली सुअर आया। आखिरकार जब वो बीच पर पहुंचे तो मोनिका को पता चला कि वहां सिर्फ बूढ़े अमीर लोग आते हैं जिन्हें शोर शराबा पसंद नहीं। उस बीच पर बोर होने के बाद मोनिका को ये भी पता चला कि खाने के लिए जियोवानी सबके लिए सिर्फ एक फल लाया था और तब उसे एहसास हुआ कि उन दोनों की दुनिया एक दूसरे से कितनी ज्यादा अलग है। अचानक बीच पर मोनिका को एक मशहूर एक्ट्रेस नजर आई और वो खुशी खुशी अपनी बहनों को इस बारे में बताने लगी, जिसके बाद उसके बर्ताव से जियोवानी को शर्मिंदगी महसूस हुई। वो एक्ट्रेस जियोवानी को जानती थी, इसलिए उसने मोनिका के साथ उसे अपने घर बुलाया और रईस लोगों के उस घर में मोनिका को अजीब सा महसूस होने लगा। अपने आसपास के लोगों के और अपने बीच के स्टेटस का फर्क उसे साफ साफ नजर आ रहा था, इसलिए वो निराश होने लगी। और घर लौटते हुए वो ना तो अपने आंसू रोक पाई और ना ही उसने कोई बात की। उस रात मोनिका को ये एहसास हुआ कि जियोवानी उसे पसंद करता है और ये बात जानने के बाद ही उसे बेहतर महसूस होने लगा। जियोवानी अपनी फीलिंग्स समझ तो गया था, पर फिर वो ये सोचकर डरने लगा था कि उसकी जिंदगी में मोनिका के आने से सब कुछ बिगड़ सकता है, क्योंकि उसके और मोनिका के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है।
जियोवानी की मुश्किलें बढ़ने वाली थी क्योंकि अनियेसे की माँ कुछ दिनों के लिए फ्रांस से लौट आई थी। अनियेसे की माँ लूस ने बताया कि मोनिका ने उन्हें लंच पर बुलाया है और वो अलेजियो से मिलने को बेताब है, पर जियोवानी कहने लगा कि उसके घर ना जाना ही उनके लिए बेहतर होगा। लूस अपनी बेटी की खुशी चाहती थी, इसलिए जियोवानी की कोशिश नाकामयाब हुई और उन्हें मोनिका के घर जाना पड़ा। इस बार लूस को उस डर का एहसास हुआ जिस डर का एहसास जियोवानी को हुआ था जब वो पहली बार उस जगह आया था, और उस अजीब से इलाके में लूस का भी स्वागत वेनम ने किया। लूस कहने लगी कि मोनिका का परिवार क्रिमिनल्स का परिवार नजर आ रहा है, और जब ये बात मोनिका ने सुनी तो वो नाराज हो गई। मोनिका के परिवार को देखकर लूस का डर बढ़ता जा रहा था, और फिर अचानक कुछ देर बाद मोनिका का पति सर्जियो घर लौट कर आया। मोनिका अब जियोवानी को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो अपने पति को देखकर खुश नहीं थी, और ये वजह जल्द ही बाकी लोगों को भी समझ आ गई। सर्जियो की हरकतें लूस की तबीयत खराब करने का काम कर रही थी। वो जियोवानी का मजाक उड़ाने लगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक रईस आदमी है, और ये बात जियोवानी बर्दाश्त नहीं कर पाया। देखते ही देखते उन दोनों की बहस हो गई, और सर्जियो के कहने पर मोनिका ने जियोवानी को घर से जाने के लिए कह दिया। इस सब की वजह से मोनिका और जियोवानी दोनों निराश हो गए, और वो समझ गए कि उन दोनों की दुनिया एक दूसरे से इतनी अलग है कि वो कभी एक नहीं हो सकती। उस रात मोनिका ने सर्जियो से कह दिया कि वो उस घर में नहीं रह सकता, वो ना तो उस परिवार का हिस्सा है और ना ही उन्हें खुश रख सकता है। अनियेसे और अलेसियो का रिश्ता जल्द ही खत्म हुआ, और जियोवानी और मोनिका अपनी अपनी दुनिया में लौट गए, पर उन दोनों को ही अकेलापन महसूस होने लगा। वो दोनों खुश नहीं थे और लूस और सर्जियो से दूर जाना चाहते थे। अंत में जियोवानी अपनी मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाने लगा, और दूसरी ओर मोनिका दिन रात उसी के बारे में सोचने लगी। मीटिंग के दौरान अपनी लिखी स्पीच को हटाकर जियोवानी उन लोगों की बात करने लगा जो मोनिका के इलाके में रहते हैं। वो अपने सामने बैठे लोगों को उस देश की सच्ची तकलीफों के बारे में बताने लगा, और इस बीच मोनिका को गवर्नमेंट से जो पैसे मिले थे उनसे उसने एक रेस्टोरेंट का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद सर्जियो को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। मोनिका अपने नए काम में गुम थी, और अपनी जिंदगी से अब वो खुश भी थी क्योंकि उसका और जियोवानी का रिश्ता शुरू हो गया था। वो दोनों दुनिया से छिपकर मिलते थे, और दोनों ही जानते थे कि उनका रिश्ता उतना टिकेगा जितना किसी हाईवे पर एक बिल्ली जिंदा टिकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।